क्या टॉपिक है? रेशो। सबसे पहले आपने रेशो को समझना है कि रेशो है क्या चीज, वो भी बात समझे। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर सेम क्वांटिटीज। इस वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखना है कि ये सेम क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन होता है। मिसाल के तौर पे बिल्कुल आम रवायती कन्वेंशनल मिसाल में अगर आपको दूँ तो सेब एप्पल है, एप्पल और मैंगो की रेशो नहीं हो सकती। एप्पल की रेशो एप्पल के साथ होगी, मैंगो की रेशो यानी क्वांटिटीज का सेम रहना जरूरी है। तो सेम क्वांटिटीज जो हैं उनकी रेशो होती है और उनके दरमियान जो कंपैरिजन है उसे हम रेशो कहते हैं। अब जो इसके अंदर जो चीज़ें इसमें फर्ज किया, दो टर्म्स हैं आपके पास, तो पहली जो टर्म होगी उसको कहते हैं एंटीसीडेंट, क्या कहते हैं, और दूसरी को कॉन्सिक्वेंट, क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। की बात आपने याद रखना है। अब रेशो को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए इसको मुख्तसर करना है हमने, बुनियादी तौर पर सिंप्लीफाई करना है। अब आपके सामने ये रेशो है 6:12, ये रेशो को डिनोट करने का तरीका, ये दो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये रेशो को डिनोट कर रहे हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, 6:12, इसको मुख्तसर कैसे करेंगे, आपने ये देखना है कि जितनी भी टर्म्स हैं, दो हैं, दो से ज़्यादा हैं, इनमें सब में एक ही टेबल कौन सा जाता है, इन दोनों में कौन सा टेबल है जो दोनों पे जाता है, टू का भी है वो, थ्री का भी है और सिक्स का भी जाता है, डायरेक्ट सिक्स का ही, जो मर्जी आप लेके जाए। तो आपने ये करना है सॉल्यूशन में, फर्स्ट ये मैं लिखता हूँ 6:12 डिवाइडिंग बाय 6, इसलिए 6 से कर रहा हूँ कि 6 का टेबल दोनों पे जाता है, इसलिए तो 6/6 डिवाइडेड बाय 12/6 कह सकते हैं ना। फिर ये देखिए 6 1 6 और 6 कितने दफा, तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म के आगे 1:2, इससे ये मजीद सिंपल नहीं हो सकता। अब इसी तरह इधर आ जाए, यहाँ पे देखें इन में से कौन सा ऐसा है जिसका टेबल सब पे जाता है, 12 जाता है, तो इसका 12 का हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 12, ठीक हो गया। तो आपने लिखना है 12:36:48, इस सब को डिवाइड कर दें 12 के साथ, 12 के साथ बताएं क्या है, 1 आ जाएगा, आगे 3 आ जाएगा, आगे 4 आ जाएगा, इससे मजीद सिंपल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आपका आंसर है, मुश्किल बात तो नहीं है। अब आगे देखें, ये क्वेश्चन है सर सिया, इसमें आप देखेंगे किसका टेबल है जो सब पे जाते हैं, 3 का, तो आप डिवाइडिंग बाय क्या कर देंगे, 3, तो 3x/3 रेशो 9y/3 रेशो 18z/3 3 बंदा 3 कितने का आया, 3 बंदा 3 6 था, तो आपके पास खाली x बचा, रेशो 3y बचा, रेशो 6z बचा, इससे मजेदार ये सिंपल नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है, मुश्किल बात है। अब आगे आते हैं, ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ फॉलोइंग रेशोज आर इक्वल, कह रहा है ये भी रेशो दी गई, ये भी रेशो दी गई, दरमियान में कॉमा है, कह रहा है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि रेशोज क्या है, इक्वल रेशोज इक्वल है। तो सबसे पहले तो रेशोज को इक्वल रखें ना, 3:5 इज इक्वल टू x/6, ये हमने कैसे लिखा, यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपने इंफॉर्मेशन यूज की जो दी हुई थी कि रेशोज आर इक्वल, क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमने इक्वल रख लिया। अब जरा बहुत से बात को समझने, आपने यहाँ पे जब रेशोज हो और फिर साइन ऑफ इक्वलिटी हो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, वो ये है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन ये होते हैं, मीन कौन से होते हैं, ये दरमियान वाले मीन, मीन समझते हैं ना, दरमियान, एक्सट्रीम आखिर वाले, पहला और आखिरी, ये एक्सट्रीम होते हैं, पहला और आखिरी एक्सट्रीम होते हैं, और मीन कौन से होते हैं, जो दरमियान में होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट लेना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन मीन अंदर वाले जो दरमियान में, इनका प्रोडक्ट है 5 × x, मल्टीप्लाई कहते हैं ना प्रोडक्ट को, इक्वल टू आपने फार्मूले के मुताबिक इक्वल टू रखा, आगे है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 3 × 6, ये 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 6 × 3 करें कितना आता है, 18, x इज इक्वल टू 18 ओवर कितना आ जाएगा 5, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3.5
सिक्स। कोई मुश्किल बात? जब सिंपल याद रखें, जब ये इंफॉर्मेशन दी हो कि रेशियोज आर इक्वल, तो आपने कॉमा हटा के वहां क्या डाल देना, इक्वालिटी डाल देना, साइन ऑफ इक्वालिटी। साइन ऑफ इक्वालिटी डालने के बाद ये फार्मूला हमेशा लगाने हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन क्या होंगे? दरमियान वाले, इनका प्रोडक्ट है, इनको मल्टीप्लाई करना है। एक्सट्रीम क्या होंगे? आखिर वाले, पहला और आखिरी सिरों वाले, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। वहां से आगे इसको जस्ट सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ गई? थैंक यू।